निवास में ठहरे रात में और आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या मानते हैं कि यह चुनाव जो है एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच पहला बार आमने सामने की लड़ाई हो रही है? देखिए, चुनाव तो चुनाव है और चुनाव में हमारे कार्यकर्ता हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। सहयोगी दल का प्रत्याशी है, पर ये एक उपचुनाव है और इस उपचुनाव में स्वाभाविक रूप से जिस लक्ष्य के साथ इस राज्य को देखा गया, जिस महत्वपूर्ण भूमिका ने संगठन का दायित्व पूरा करते हुए राज्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई, आज उसे धूल धूसरित होते हुए देख रहा है। इसलिए हमारा दायित्व बन जाता है कि ऐसे चीज़ों को संभालने के लिए राज्य के जनता के साथ मिलकर के आगे का रास्ता तय करें। तो ये चुनाव उसी कड़ी में सहयोगी दलों के साथ, सहयोगी दल के साथ हो रहा है और हमें आशा है कि इस चुनाव में इस क्षेत्र की जनता आने वाले दिनों में भविष्य का झारखंड को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, संदेश देंगे। और इस समय जो राज्य की विकृत दशा दिख रही है, वो विकृत दशा को राज्य की जनता स्वयं अपने हाथों में लेकर के स्वनिर्माण के साथ आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करेगी, पर फैसला और सहभागिता जनता की। और मुझे पूरा आशा है कि इन दिनों में जो झारखंड की परिस्थितियां लगातार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है और पहुंच रही है, इसको रोकना जरूरी है। सामाजिक दृष्टि से यहाँ पर जिस तरह का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा बना रहा, उसको तोड़ने की कोशिश, सामान्य जनों को न्याय नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से सरकार के कामकाज ने भ्रष्टाचार को अपना अनुशासन बनाया, तो इस तरह की स्थिति राज्य को नुकसान पहुंचाने और राज्य को, राज्य की इमेज को खराब करने का काम किया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि मैं भी इस चुनाव के दौरान बाई इलेक्शन में आज मैं कुछ क्षेत्रों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, और पूरा विश्वास है कि न केवल उपचुनाव बल्कि आने वाले चुनाव में भी निश्चित रूप से राज्य के दशा और दिशा को नेतृत्व करने के लिए राज्य की जनता स्वयं आ गए। कल जिस कि आप अपने स्तर से केंद्र सरकार पर यह बात ले जाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के किसानों का जो एक बड़ा फिर से दर्द उभर रहा है उसका समाधान हो सके? देखिए, राज्य सरकार को सबसे पहले तो वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करना चाहिए और आज कई जिलों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ स्थानों पर बारिश हुई है, उस लेकिन उस मात्रा में नहीं हुई है जिस मात्रा में किसानों को उसकी सुविधा मिल सके। पर वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन का ज़्यादातर दायित्व तो राज्यों का होता है। राज्य केंद्र के बारे में
जो भी अपेक्षा रखता है उनको बताना चाहिए, और कृषि मंत्रालय हमेशा इन सारी चीज़ों पर काम करता है। अभी इस समय मैं एक बाई इलेक्शन में हूँ, इसलिए बहुत सारी बातों को कहना उपयुक्त तो नहीं समझता हूँ, उसका एक अलग अर्थ निकाला जा सकता जाएगा। इसलिए सुखाड़ की स्थिति एक गंभीर स्थिति ना बने, इसके लिए चिंता करना चाहिए। ईडी बोल रहे हैं कि ये बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक पहल शुरू हुई है, आप क्या मानते हैं कि बाबूलाल मरांडी इस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसा कि आपके ही नेता बोल रहे हैं मंचों से? देखिए, मैं यहाँ कोई घोषणा करने नहीं आया, यह संगठन का विषय है, जो कह रहे हैं जो विषय है वो तो जब सही मंच पर बातें आएगी तभी उस पर कुछ कहना उचित है। इनिशिएटिव आज 1967 तक इस देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन बीच के दिनों में इस तरह की स्थिति बनी कि लगातार कई राज्यों में कई चुनाव समय पर नहीं हुए, कई तरह की विसंगति दिखी, लेकिन उस प्रयास को फिर से हमें आगे जारी रखने के लिए चर्चा करना चाहिए और क्या क्या भविष्य में रास्ते बन सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए। अभी तो इस संदर्भ में एक प्रयास है, परिणाम बाद के दिनों में देखी जाएगी। तो हो पाएगा, क्योंकि भारत में ऐसी चुनावी पद्धति है, कई चरण में चुनाव होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि आम जनता को सामान्य ढंग से प्रगति का अवसर मिले और व्यवस्था ऐसा निर्मित हो जिससे हर व्यक्ति परिवार समय का प्रबंधन करते हुए अपना भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सुनिश्चित करे और उसमें सरकारें या देश की व्यवस्था सहयोगी सिद्ध हो। अब कब होगा, कैसे होगा, ये तो भविष्य की बात है कि हम आने वाले दिनों में इस देश में जो सामान्य चुनाव, आम चुनाव एक साथ हो, इसका प्रयत्न या इसकी चर्चा प्रारंभ किया है, तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम बाद के दिनों में कितने सफल होते नहीं होंगे ये अलग विषय, पर चर्चा जनता के बीच में होना चाहिए और इन सारे मुद्दों पर हमें आगे ध्यान रखते हुए कि यह देश देश के नागरिकों का है, देश के सामान्य नागरिकों का, किसी से कोई इस तरह के आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र ढंग से वो अपना काम करते हैं, पर व्यवस्था अगर अव्यवस्थित रहे तो उसमें अड़चन आती है।